नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर हम बात करेंगे न्यू अपडेट के बारे में, लेखपाल भर्ती 2019। तो यहाँ पर क्या है नया अपडेट, उसको लेकर हम बात करेंगे। लेखपाल के 6000 पदों पर भर्ती की तैयारी और UPSC कैलेंडर में शामिल नहीं हुई 4 परीक्षाएं। इसके अलावा माध्यमिक स्कूलों से हटाई जाएंगी PTA शिक्षक, खाली पदों पर होगी भर्ती जल्द। पूरे अपडेट के बारे में यहाँ पर हम एक एक करके आपको बताने। इसके अलावा यहाँ पर आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मैं एक प्लस एजुकेटर हूँ और यहाँ पर UPPSC UP SSSC के लिए, यानी कि मंडी प्रसार लोअर PSS लेखपाल, इन सभी एग्जाम के लिए आपका जो प्लस मॉडल है वो लॉन्च हो चुका है। आप यहाँ पर इसको परचेज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं प्लस कोर्स को परचेज करना, और यहाँ पर आपके सिलेक्शन की गारंटी रहेगी, हर टॉपिक को अच्छे से यहाँ पर कवर किया जाएगा, आपको PDF वगैरह सब एक एक चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इस पूरे प्लस मॉडल को ले सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय। यहाँ पर अगर हम बात करें कैलेंडर के बारे में, तो कैलेंडर में शामिल नहीं 4 परीक्षाएँ, यानी कि लोक सेवा आयोग की ओर से घोषित परीक्षा कैलेंडर में 4 प्रमुख परीक्षाओं का जिक्र नहीं है। इनमें से 2 परीक्षाएँ ऐसी हैं जिनका 20 मई 2019 को घोषित कैलेंडर में जिक्र था, लेकिन इसे ना तो 2019 के नए कैलेंडर में स्थान मिला है, ना ही 2020 के वार्षिक परीक्षा कैलेंडर में कोई इसको शामिल किया गया है। यानी कि आयोग ने 20 मई 2019 को इस वर्ष की दूसरी छमाही का परीक्षा कैलेंडर जारी किया था। इसमें 7वें स्थान पर उत्तर प्रदेश सचिवालय के अपर निजी सचिव, यानी कि APS भर्ती 2013 के तीसरे चरण की परीक्षा का जिक्र था, और इस चरण में कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा होनी है। इसके लिए 15 दिसंबर तिथि तय की गई थी और यह नए कैलेंडर में यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा 20 मई के कैलेंडर में सबसे अंत, यानी कि 8वें स्थान पर सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 के लिए 22 दिसंबर की तिथि थी, लेकिन अब यह नए कैलेंडर से गायब है, ठीक है। तो प्रतियोगी छात्रों को इन दोनों परीक्षाओं के न होने से घोर निराशा है, क्योंकि राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा पिछले 6 वर्षों से नहीं हुई है। आगे यहाँ पर क्या है कि लोक निर्माण सिंचाई सहित अन्य विभागों में सहायक अभियंता और अवर अभियंता की भर्ती के लिए पिछली परीक्षा 2013 में हुई थी, और वहीं APS 2013 भर्ती 5.5 साल से अटकी हुई है। यह भर्ती दिसंबर 2013 में शुरू हुई थी, और RO ARO मीन्स का भी उल्लेख यहाँ पर नहीं आया है। तो आयोग ने 2.5 साल बाद 22 जुलाई 2019 को RO ARO प्री 2016 की कुंजी यहाँ पर जारी किया, यानी कि उत्तर कुंजी जारी किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो अगला अपडेट है कि माध्यमिक स्कूलों से हटाए जाएंगी PTA शिक्षक, खाली पदों पर भर्ती जल्द, यानी कि 50,000 तक हो सकती है ऐसे शिक्षकों की संख्या, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन, यानी कि PTA की ओर से रखे गए सभी शिक्षक हटाए जाएंगे, और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने विधान परिषद में शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी, और प्रदेश में PTA शिक्षकों की संख्या लगभग यहां पर 50,000 तक हो सकती है। तो यहां पर यह आपका अपडेट है। आगे यहां पर हम बात करेंगे लेखपाल भर्ती को लेकर, यानी कि लेखपाल के 6000 पदों पर भर्ती की यहां पर आपकी तैयारी है, यानी कि राजस्व लेखपाल के करीब 6000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। राजस्व परिषद के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जल्द भेजने का निर्देश दिया है, ठीक है। और इस बार भर्ती बिना इंटरव्यू के होगी। CM योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों विभिन्न विभागों में खाली पदों पर भर्ती में तेजी लाने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद इस संबंध में कार्यवाही अटके रहने पर लेखपाल संघ ने राजस्व परिषद चेयरमैन के सामने यह मामला उठाया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बिना इंटरव्यू के यहाँ पर होगी पहली भर्ती, यानी कि योगी सरकार ने समूह गा के रिक्त पदों पर भर्ती में इंटरव्यू की व्यवस्था समाप्त कर दी है, और इंटरव्यू की व्यवस्था समाप्त होने के बाद लेखपालों की यह पहली भर्ती होगी। इसके पहले इनका चयन लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के जरिए होता था, ठीक है। तो एक आपका अपडेट है कि लेखपाल की आपकी जो वैकेंसी है 6000, वो उसका भर्ती जल्द आपका आने वाला, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।